हिमालय जितना विशाल है, पृथ्वी पर जीवन के लिए उसका महत्व उससे भी कहीं बड़ा है। लेकिन इंसानी गलतियों ने हिमालय पर एक नए खतरे को पैदा कर दिया है। ऐसा नहीं कि इसका अंदेशा किसी को ना हो, वैज्ञानिक इस खतरे को बार बार जाहिर करते रहे हैं। आज बात उस नए खतरे को लेकर जो उत्तराखंड में इस समय सबसे बड़ी समस्या के तौर पर दिखाई दे रहा है। दरअसल उत्तराखंड के जंगल इन दिनों खूब धधक रहे हैं। पहाड़ों पर आग की लपटें आसमान को छू रही है, इससे धुएं का गुबार चारों तरफ फैल रहा है। बस इस नए खतरे की शुरुआत यहीं से हो रही। हम बात कर रहे हैं हिमालय के उस जानी दुश्मन की जो धीरे धीरे हिमालय का अस्तित्व मिटाने पर तुला हुआ है। हिमालय के उस दुश्मन नंबर वन का पता लगाया है वाडिया भू विज्ञान संस्थान उत्तराखंड के वैज्ञानिकों ने। हिमालय और उसके ग्लेशियर पर लंबे समय से रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक मानते हैं कि हिमालय की सफेद चोटियों पर कार्बन अपने पांव पसार रहा है। हिमालय में कार्बन की मात्रा सामान्य से 2.5 गुना बढ़कर 11,800 नैनोग्राम प्रति घन मीटर जा पहुंची है। ये ग्लेशियर की बर्फ को पिघलाने में आग में घी का काम कर रही है। तापमान बढ़ने से पूरे हिमालय का इकोसिस्टम प्रभावित हो रहा है। खास बात यह है कि इन दिनों जंगल में लगी आग इस कार्बन को हिमालय पर बढ़ा रही है। आपको बता दें कि पहले भी कार्बन को लेकर वाडिया भूविज्ञान केंद्र ने गंगोत्री के चीड़बासा और भोजबासा क्षेत्र में कार्बन की मात्रा नापने के लिए अपने यंत्र स्थापित किए थे, जिससे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर डीपी डोभाल कहते हैं कि उत्तराखंड में जंगलों की आग हिमालय पर कार्बन को बढ़ा रही है। इससे सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट होने के बजाय कार्बन उसे एब्जॉर्व कर रहा है, जिसके कारण ग्लेशियर के और भी तेजी से पिघलने की आशंका बढ़ गई है। हिमालय रेंज में कार्बन की मात्रा में काफी बढ़ोतरी हो रही है। वहीं ग्लोबल वार्मिंग के चलते ट्री लाइन धीरे धीरे ऊपर खिसक रही है और जानवरों के रहने के स्थान भी। वैज्ञानिक डीपी ढोबाल कहते हैं कि उत्तराखंड के पास दो संपदा है, पहला वन संपदा और दूसरा ग्लेशियर्स, जिसके कारण उत्तराखंड में नदियों के रूप में पानी की संपदा मौजूद है। लेकिन एक तरफ जंगल जल रहे हैं तो उसका सीधा प्रभाव ग्लेशियर पर हो रहा है। जिस तरह जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ रही है और ग्लेशियर पर बदले परिवेश का असर हो रहा है, उससे उत्तराखंड पर अलग अलग आपदाओं का खतरा भी बढ़ रहा है। पिघलते ग्लेशियर और लगातार बढ़ता तापमान इशारा कर रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार बढ़ने से हिमालय में हिमस्खलन का खतरा और बढ़ जाता है। साथ ही जीवों के आवास और उनके व्यवहार में आ रहा परिवर्तन एक गंभीर स्थिति की ओर इशारा कर रहा है, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है। कार्बन से सबसे ज्यादा खतरा गंगोत्री, मिलम, सुंदर ढूंगा, नेवला और चिपा ग्लेशियर्स को है, क्योंकि ये कम ऊंचाई पर हैं। ये सारे ग्लेशियर्स ज्यादातर नदियों के स्रोत हैं। ऐसे में अगर सरकार ने जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया तो हालात बेहद खराब होने वाले हैं। ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार बता रही है कि हिमालय में कुछ भी ठीक नहीं। इस मसले पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहें रायशुमारी।